कहां तक पहुंचा अयोध्या में भगवान राम मंदिर का काम? त्रेता युग के बाद कलयुग में मिलने वाला है भगवान राम लला को अपना घर। सदियों तक दुनिया देखेगी भगवान राम का भव्य मंदिर। जिस घड़ी का करोड़ों आंखें दशकों से इंतजार कर रही थी, वो पल अब जल्द ही आने वाला है। राम मंदिर को अगले साल भक्तों के लिए खोला जाना है। ऐसे में यहाँ दिन रात काम चल रहा है। मंदिर का प्रथम तल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और छत की ढलाई कार्य चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल और गर्भगृह का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के आसपास किसी शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम लला का स्थायी मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा, जिसके बाद से लाखों श्रद्धालु भगवान राम लला का दर्शन पूजन स्थायी मंदिर में करेंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर जाने के लिए तीन मार्ग बनाए हैं, राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ। इन तीन पथ से होकर के श्रद्धालु राम लला के मंदिर पहुँचेंगे। भव्य राम मंदिर का कितना निर्माण पूरा हो गया है, इस बात की जानकारी उन तस्वीरों से मिल रही है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। इन मंदिरों में देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहरी दीवारें बन चुकी हैं और भूतल का पूरा आकार नजर आ रहा है। ऐतिहासिक स्वरूप से बन रहे भगवान राम के मंदिर में आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से तैयार किया जा रहा है रामलला का भव्य मंदिर। प्रभु रामलला के मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो सभी राम भक्तों के मन को मोह लेगा। मंदिर की दीवारों और छतों में सुंदर नकाशी की जा रही है। कितना भव्य होगा भगवान श्री राम का मंदिर? मंदिर में राम भक्त पूर्व दिशा के सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे, जहां से भगत भगवान राम के दर्शन करने के बाद भोग मंडप और फिर गर्भगृह से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। लौटने का मार्ग उत्तर पूर्व दिशा में खुलेगा। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को अयोध्या में भगवान राम के प्रति आस्था का भाव कदम कदम पर दिखाई देगा। अयोध्या में लोग जिस तरह से प्रवेश करेंगे, उन्हें भगवान राम से जुड़े प्रसंग दिखेंगे, रामायण कालीन स्थल दिखेंगे, जिसके जरिए लोगों में रामायण की तस्वीर बनेगी। सरयू तट से राम मंदिर तक पहुंचने के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा है। इस रास्ते के दोनों तरफ भगवान राम के जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के 70 एकड़ परिसर में श्रद्धालुओं को 7 और मंदिर भी दिखेंगे। ये मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, माता शबरी, निषाद राज और जटायु के होंगे, जो भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को श्रद्धालुओं के जहन में उभारेंगे। इन 7 मंदिरों के अलावा अयोध्या में लखनऊ, गोरखपुर, रायबरेली, गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी की तरफ से भी आने वाले रास्ते पर श्रद्धालु रामायण कालीन पात्रों के नाम से भव्य छठ गेट बनाए जाएंगे। इस गेट के जरिए ही अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु अयोध्या में प्रवेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।